सो लेट गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T1 प्रो डिवाइस के अंदर आप इन फिंगर डिस्प्ले लॉक कैसे लगा सकते हो। ये गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इन फिंगर लॉक लगाने का। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो अपने फ़ोन के अंदर इन फिंगर डिस्प्ले लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वीवो थीम्स, तो आप यहाँ पर सर्च कर लेना वीवो थीम्स, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। हालांकि ये मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन गाइस अभी जो एंड्रॉयड अगर आप 12 यूज़ करें तो उसमें जो है ये प्रॉपरली तभी वर्क करेगी जब आप जेड फोन का यूज़ करके जो आपका अपना थीम स्टोर है इस वाले स्टोर को आप इसको जब तक चेंज नहीं करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जाके इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है, जिसे आप आई कार्ड में जो है क्लिक करके देख सकते हैं। आप जो जेड फॉन्ट की मदद से जिस तरह से हमने फॉन्ट को चेंज करते हैं, आपको सेम प्रोसीजर करना है, जेड फॉन्ट की तरह ही आपको चेंज करना है। और थीम एप्लीकेशन जब वहां से डिलीट हो जाएगा, इसके बाद आपको इस वाली वीवो थीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना अपने फ़ोन के अंदर। हालांकि वीडियोज़ है, आप एक बार उसको देख लेना पहले, इसके बाद आके आप इसको कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर वीवो थीम्स लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन आ जाएगी, हालांकि इसको आप डाउनलोड कर लेना। मेरे फ़ोन के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हम इसको करेंगे ओपन। जस्ट ओपन पर क्लिक करना, इसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी इजी टू यूज़ इंटरफेस मिल जाएगा और इसके अंदर आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थीम्स मिलती है। तो मैंने थीम्स ही चेंज करने के बारे में उसमें बताया है। तो ये ऑल टोटल वीडियोस में ऑल टोटल फोन्स के ऊपर है जिसमें एंड्रॉयड 12 है। तो जब तक आप थीम्स चेंज नहीं कर पाएंगे एंड्रॉयड 12 में, तब तक आप जो है इन फिगर लॉक नहीं लगा पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान के देख कर आप इसमें जो थीम एप्लीकेशन उसको डिलीट करके दूसरा थीम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड कर लेना। हालाँकि मैंने यहाँ पर सब कुछ कर लिया है, अब इसमें क्या करना है, आपको 3 डॉट पर जाना है। इसके बाद कैटेगरीज कुछ मिल जाएगी, फंटज ओएस वाली कैटेगरीज पे आप क्लिक करेंगे, जिसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको एक थीम्स मिल जाएगी जो है ओरिजिन ओएस। आपको जस्ट इसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड और चेंज थीम का दो ऑप्शन सारा याद रहे हमेशा। जब तक आप थीम अप स्टोर को जो है अपडेट नहीं करेंगे, तब तक आप ये जो है डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दिया हूँ, अभी हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप थीम स्टोर का ओल्ड न्यू वर्जन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर यह डाउनलोड भी नहीं होगा। मे बी डाउनलोड हो भी गया तो ये जो है आपको थीम स्टोर एप्लीकेशन के अंदर दिखेगा भी नहीं। तो आपको पहले उस वीडियो को देख के आपको ध्यान से थीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी है। इसके बाद जो उसके डिस्क्रिप्शन में थीम हमने दी है एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करनी है। इसके बाद आपको ये वाली प्रोसेस करनी है। तो अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर चेंज थीम का ऑप्शंस भी हमारे पास आ गया था, लेकिन ये एड्स आ गई है, एड्स को हम यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पर हम कट कर देते हैं एड्स। ये एड्स थोड़ी सी लंबी है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारी ऐड जो है मैं कट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर चेंज थीम का ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट चेंज थीम पे क्लिक करना है। जैसे आप चेंज थीम पे क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके ऑफिशियल एप्लीकेशन कह सकते हो जो थीम स्टोर है उसके अंदर। इसके बाद लोकल वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, जिसमें अगर आपको यहाँ पर ऐसा कोई एरर देखने को मिलता है कि यहाँ पर थीम ऐड नहीं होती, दैट मीन्स अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो मेरे अभी केसेस में क्या हो रहा है कि थीम्स यहाँ पर अगर ऐड नहीं होती, मेरे केसेस में तो ऐड हो चुकी है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ कभी शो होता है कि ऐड्स नहीं होती, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि आप जब भी इस थीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो उस थीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करके इसी प्रोसेस को अगेन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे तो एरर आता नहीं है, लेकिन अगर एरर आता है इस तरह का तो आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। सिंपली इसको डाउनलोडेड थीम्स पर क्लिक करके आप जैसे इसे अप्लाई कर दीजिए अपने फ़ोन के अंदर। ये अप्लाइंग हो रहा है और गाइस ये हमारे फ़ोन में ये सक्सेसफुली अप्लाई भी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अप्लाइंग में। ये अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहां पर आपको थीम का इस तरह से लुक जो मिल रहा है, हालांकि वॉलपेपर्स वगैरह आप चेंज आउट कर सकते हो, पसंद नहीं आ रहे हैं ऊपर के। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इन फिंगर लॉक कैसे काम करता है। इस पावर को हमें सर बना मिल जाएगा जो यहां पर देख सकते हो। हालांकि अगर आपने कोई पासवर्ड वगैरह लगाया है तो सबसे पहले हमें पासवर्ड अपना रिमूव करना होगा अपने फोन से। तो आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, इसके बाद आप अपने जहां से भी पासवर्ड लगाते हैं आप वहां पर जाइए और स्क्रीन लॉक को आप जो यहां से हटा दीजिए। मैं यहां पर स्क्रीन लॉक हटा देता हूं और मैं यहां पर स्वाइप अप वाला स्क्रीनशॉट यहां पर लगा दूंगा। आप चाहे तो कोई भी स्क्रीन लॉक लगा लेना, सिर्फ पैटर्न पिन वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। इसके करेंगे, इसके बाद इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तब ओपन होगा एंड्रॉइड 12 और 11, 10, 9 में। अगर आपका 8 और 6, 5 कोई वर्जन है उसमें आपको इंस्टेंट ये वर्क कर जाता है। जैसे आप करूँ तो ये ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं लॉन्ग क्लिक करके छोड़ दूंगा तो ये प्रॉपरली एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ कुछ कंडीशन हो जाती है, कभी कभी वर्क नहीं करता, लेकिन ये प्रॉपर वर्क करता है। तो एक बार देख लेना एंड्रॉइड 12 में आपको इसी तरह लॉन्ग प्रेस करके इन फिंगर लॉक लगाना है। उम्मीद करते हैं गाइस आप समझोगे कैसे इसका यूज़ करना है। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।